subject EE 309 chapter 2 symmetrical component. इस ई लेक्चर में हम फॉल्ट करंट निकालने केस अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के केस में फॉल्ट करंट निकालने के कुछ न्यूमेरिकल्स का अध्ययन करेंगे. इसमें यहाँ पर हम लाइन टू ग्राउंड और डबल लाइन फॉल्ट के न्यूमेरिकल्स का अध्ययन करेंगे. यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी गई है जिसका सर्किट डायग्राम नीचे दिखाया गया है. प्रॉब्लम इस तरह से है. अ थ्री फेज 11 किलोवोल्ट 10 एमवी अल्टरनेटर हैज सीक्वेंस रिएक्टेंस ऑफ X0 इजिकल्स टू 0.5 पीयू, X1 इजिकल्स टू 0.15 पीयू, X2 इजिकल्स टू 0.15 पीयू. अर्थात 10 एमवीए के 11 किलोवोल्ट और थ्री फेजी अल्टरनेटर के जो सीक्वेंस इम्पिडेंस यदि X0 इजिकल्स टू 0.5 पीयू, X1 0.15 पीयू और X2 0.15 पीयू दिए गए हैं और इफ द जनरेटर इज ऑन नो लोड, जनरेटर शून्य भार पर है, तो फाइंड द लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करंट. तो लाइन टू ग्राउंड के लिए जो सर्किट डायग्राम यहां पर दिखाया गया है, इसके लिए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट सर्किट निकाला जा सकता है जिसमें वोल्टेज होती है 3ER और वोल्टेज के श्रेणी क्रम में जो रिएक्टेंस है X1, X2 और X0 को जोड़ दिया जाता है और जो इनमें धारा वैरी होती है वह है IR. तो हम न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करते हैं. इसमें आर फेज को हम रेफरेंस लेंगे और मान लेंगे कि इसका जो फेज ईएमएफ है ER वो 1 पर यूनिट है. तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए मान लीजिए कि जो फॉल्ट है वो रेड फेज पर अकर्स होता है, देन I1 इजिकल्स टू I2 इजिकल्स टू I0 अर्थात पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, नेगेटिव सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस करंट का मान बराबर होता है और इसका मान आ जाएगा ER डिवाइडेड बाई X1 प्लस X2 प्लस X0. तो ER का मान 1, X1 का मान 0.15, X2 का मान 0.15 और X0 का मान 0.5 रखने पर I0 या I1 या I2 इनका मान आएगा 1/J 0.35 या -J 2.85. अब लाइन टू ग्राउंड जो फॉल्ट करंट होती है वो IR फेज की, तो IR इजिकल्स टू उनके मध्य रिलेशन होता है 3/I0. तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 3 × -J 2.85 या -J 8.55 एम्पियर. इस न्यूमेरिकल में हम थ्री फेज फॉल्ट करंट भी निकाल सकते हैं.
यदि दोष ट्रिपल लाइन फॉल्ट का हो तो हम निकाल सकते हैं फॉल्ट करंट उस केस में आ जाएगी ER डिवाइडेड बाई एक्स वन। तो एक्स वन का मान दे रखा है 0.15, तो ये हो जाएगा करंट हो जाएगी ER का मान वन रखेंगे डिवाइड बाई एक्स वन तो J 0.15, तो ये आ जाएगा माइनस J 6.66। और हम रेशियो ऑफ फॉल्ट करंट भी निकाल सकते हैं, तो यदि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में फॉल्ट धारा माइनस J 8.15 दी हुई है तो हमारी जो थ्री फेज फॉल्ट के अंदर लाइन धारा अभी हमने निकाली माइनस J 6.66, इसका भाग दे देंगे तो रेशियो ऑफ टू फॉल्ट करंट आ जाएगा 1.284। तो इससे हम देख सकते हैं कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करंट इज 1.284 टाइम्स डैट ड्यू टू द डैट शॉर्ट सर्किट ऑन द थ्री फेजेस। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल लेंगे, इसमें हमें लाइन टू लाइन फॉल्ट होने की अवस्था में दोष धारा का मान निकालना है। तो यहाँ पर वाई और बी फेज के मध्य शॉर्ट सर्किट दिखाया गया है या डबल लाइन फॉल्ट दिखाया गया है। प्रॉब्लम इस तरह से है, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम हैज़ ए नॉर्मल वोल्टेज ऑफ 10.4 किलोवोल्ट बिटवीन द लाइंस। इट इज सप्लाइड बाय अ जनरेटर हैविंग पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस ऑफ 0.6, 0.5 एंड 0.2 ohm पर फेज रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द फॉल्ट करंट विच फ्लो व्हेन लाइन टू लाइन फॉल्ट अकर्स एट जनरेटर टर्मिनल। तो सर्किट डायग्राम में जैसा हमने देखा कि द शॉर्ट सर्किट फॉल्स, हमने माना कि वो येलो और ब्लू फेजेस के मध्य आया हुआ है टेकिंग रेड एज ए रेफरेंस। इसमें रेड फेज को रेफरेंस लेंगे, इट्स फेज ईएमएफ इज फेज ईएमएफ ऑफ आर फेज इज इक्वल टू हो जाएगा 10.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई √3, तो ये आ जाएगा 6000 वोल्ट। अब यहाँ दिया हुआ है एक्स वन का मान J 0.6 ohm, एक्स टू का मान दे रखा है J 0.5 ohm, एक्स जीरो का मान दे रखा है J 0.2 ohm। तो लाइन टू लाइन फॉल्ट के लिए फॉल्ट करंट हम इस तरह से निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला है IF इज इक्वल टू √3 ER डिवाइडेड बाई X1 प्लस X2। X1 और X2 के मान दे रखे हैं, ER हमने निकाल लिया है। अब इन सब के मान रखने पर √3 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 0.6 प्लस 0.5, तो इसको कैलकुलेट करने पर यह आता है 9,447.5 एम्पियर। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी हुई है, इसको आप, ये एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है, इसको आप
हल करने का प्रयास करें। इस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम इस तरह से है, अ थ्री फेज 75 MVA 11.8 किलो वोल्ट स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर विथ अ सॉलिड न्यूट्रल पॉइंट एज द फॉलोइंग PU इम्पिडेंस बेस्ड ऑन रेटेड फेज वोल्टेज एंड रेटेड फेज करंट। पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस जो दे रखा है वो है J2 PU, नेगेटिव सीक्वेंस इसमें दे रखा है 0.16 PU और जीरो फेज सीक्वेंस इम्पिडेंस दे रखा है J 0.08 PU। तो इसमें हमें डिटरमाइन करनी है, डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट फॉल्ट करंट फॉर फॉलोइंग। पहला है थ्री फेज सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट और दूसरा है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो जब सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट अकर्स होता है तो उस केस में फॉल्ट करंट अभी जैसा कि हमने बताई है वो आएगा उसका मान आएगा ER डिवाइडेड बाई X1। तो आप इसमें ER निकाल लीजिए और इसमें X1 का भाग लगा लीजिए तो वो सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट के केस में फॉल्ट धारा आ जाएगी। इसी तरह से लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का जो फार्मूला होता है उसमें सबसे पहले I0 निकाली जाती है, I0 का मान हो जाएगा ER डिवाइडेड बाई X1 प्लस X2 प्लस X0। पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस तीनों इम्पिडेंस को जोड़कर ER में इन तीनों इम्पिडेंस के योग का भाग लगा दिया जाता है तो I0 या जीरो सीक्वेंस करंट आ जाती है और जो फॉल्ट करंट होती है IR वो निकलेगी 3 ऑफ I0। तो I0 निकालने के बाद में आप इसको 3 से गुणा कर दीजिए, आप इसको हल कीजिए, इसके बाद में इनके आंसर्स दिए हुए है। आपने इनको हल कर लिया होगा, अब इसके आंसर्स देख लेते हैं। ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा थ्री फेज सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट के लिए जो फॉल्ट धारा है वो आएगी 1840 एम्पियर और वन लाइन टू अर्थ फॉल्ट या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए फॉल्ट करंट होगी 4920 एम्पियर। आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट के केस में फॉल्ट करंट और डबल लाइन फॉल्ट आने के केस में फॉल्ट करंट निकालने का अध्ययन किया है।